अभिषेक कुमार और मन्नारा चोपड़ा की हुई लड़ाई। अभिषेक ने कहा मन्नारा को डुप्लीकेट परिनीति। वर्ल्ड सलमान खान के कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 17 के आज के एपिसोड में हमें देखने को मिला कि रिंकू और जिग्ना जो है वो किचन में डस्टबिन को लेकर अभिषेक और अरुण महाशेट्टी से शिकायत कर रहे होते हैं। इसी बीच में मन्नारा जो है वो भी बोलती हुई नजर आती है। अभिषेक यहाँ पर मन्नारा को पोक करने की कोशिश भी करते हुए नजर आते हैं और यहाँ पर उनकी फैमिली का नाम लेते हैं। अभिषेक कहते हुए नजर आते हैं कि ये क्यों बोल रही है परिणीति जैसी दिखने वाली लड़की। यहाँ पर अभिषेक मन्नारा को डुप्लीकेट परिणीति चोपड़ा तक कह देते हैं। मन्नारा इस बात से काफी ज्यादा उदास भी नजर आती है और गुस्से में कहती है कि मेरी फैमिली को इसमें इन्वॉल्व क्यों कर रहे हैं। यहाँ पर मन्नारा जो है वो अभिषेक को गुस्से में जूनियर आर्टिस्ट कहती है और कहती है कि वो कभी भी परिणीति के आजू बाजू जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर नजर आने वाले हैं। मन्नारा गुस्से में अभिषेक के ऊपर एक पिलो भी फेंक देती है, जिसे अभिषेक बताते हैं कि मन्नारा ने उन्हें मारने की कोशिश की है। अभिषेक और मन्नारा के बीच की लड़ाई जो है वो बढ़ती जा रही होती है और यहाँ पर मन्नारा गुस्से में अभिषेक से कहती है कि अपनी गर्लफ्रेंड के पास जा। अभिषेक इस बात से और भी ज्यादा हाइपर हो जाते हैं और कहते हुए नजर आते हैं कि ईशा मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, ये बात आज के बाद यूज नहीं करना और ये बात बार बार मेरे सामने दोबारा रिपीट नहीं करना। अभिषेक मन्नारा से काफी ज्यादा लड़ रहे होते हैं, जिसके बाद मन्नारा कहती हुई नजर आती है कि अभिषेक ये सारी चीजें यहाँ पर फुटेज के लिए कर रहे हैं। वो मन्नारा की फैमिली के नाम पर भी यहाँ फुटेज खाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें घर के बाहर तो फुटेज मिलने नहीं वाली है। मन्नारा इस बात की शिकायत बिग बॉस से भी करती हुई नजर आती है कि इस शो के फॉर्मेट में ये नहीं कहा गया है कि बाहर की बातें यहाँ पर अलाउड है करना या फिर किसी एक्स कंटेस्टेंट की बातें यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर ईशा भी जो है वो मन्नारा से काफी ज्यादा नाराज नजर आती है क्योंकि मन्नारा ने उनका नाम अभिषेक और अपनी लड़ाई में बीच में इन्वॉल्व किया होता है। ईशा भी इस बात को लेकर मन्नारा पर काफी ज्यादा गुस्सा करती हुई नजर आती है। वन आपका अभिषेक और मन्नारा की इस लड़ाई पर क्या कुछ है कहना हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।